हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी सी एजुकेटर्स। तो आज हम अपने एम सी क्यू सीरीज़ का नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंटल इशूज़ के 25 एम सी क्यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक इज कॉल्ड। एक का जो नेचुरल एजिंग होता है उसको क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन? ये तो नहीं होगा। बायो सेकेंड ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन, ये हो सकता है। थर्ड है बी ओ डी। बी ओ डी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये तो नहीं होगा, ये कोई और प्रोसेस है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यूट्रोफ बी ओ डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यूट्रोफिकेशन। द नेचुरल एजिंग ऑफ लैक को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वायरमेंटल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन। इन्वायरमेंटल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट को पास किया था वो 1986 में पास किया जाएगा। पास किया था 1986 में। द एजेंट्स दैट ब्रिंग ए अनडिजायरेबल चेंजेस इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि जो जो अनडिजायरेबल चेंज करने का मतलब क्या है? जो पॉल्यूशन करे, और पॉल्यूशन कौन करता है? पॉल्यूशन करता है पॉल्यूटेंट्स। कौन करता है? पॉल्यूटेंट्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पार्टिकुलेट मैटर कैन बी रिमूव्ड बाई। पार्टिकुलेट मैटर किस प्रोसेस से रिमूव होता है? कैटलिटिक कन्वर्टर से? नहीं। कन्वर्टर से? नहीं। रेडियोएक्टिव कन्वर्टर से? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्टर से वो रिमूव होता है। द पेट्रोल यूज्ड इन इंजन फिल्ड विल कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी। तो उसमें क्या होता है? उसमें अनलीडेड पेट्रोल होता है। कौन सा होता है? अनलीडेड पेट्रोल। विच मेटल इनएक्टिवेट्स अ कैटालिटिक कन्वर्टर? तो लीड जो आपका होता है, लीड वो आपका इनएक्टिवेट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर को। नॉइज, नॉइज क्या है? नॉइज है आपका अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द वाटर एक्ट। गवर्नमेंट ने वाटर एक्ट कब पास किया था? 1974 में पास किया था। कब पास किया था? 1974 में। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाट? एलगल बूम। द वर्ल्ड मोस्ट प्रोमलिटिक एक्वेटिक वीड इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर हेसिनथ बोलते हैं। डीडीटी कैन कॉज, डीडीटी क्या कॉज कर सकता है? यूट्रोफिकेशन एक्वेटिक प्लांट। बायो मैग्निफिकेशन एक्वेटिक प्लांट, कल्चर यूट्रोफिकेशन एक्वेटिक प्लांट, या नन ऑफ दी अबव। तो आपका डीडीटी क्या करता है? बायो मैग्निफिकेशन करता है। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सैनिटरी लैंड 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 फिल वेयर एडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर। किसके सब्स्टिट्यूट में उसे हम लोगों ने किया था? तो हम लोग ओपनिंग बर्न डंप के सब्स्टिट्यूट में किया था। द पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीबेंड। क्या बोलते हैं? पॉलीबेंड। ई वेस्टेस आर रिफर्ड टू। ई वेस्टेस किसे कहते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब ई वेस्ट होता है। द ग्रीन हाउस गैसेस आर, इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस होता है? नहीं। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस होता है? नहीं। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस गलत, ये भी गलत, हीलियम गलत। ये ऑप्शन सही होगा 15 का, डी। द प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज, अर्थ का भी टेम्परेचर कितना रहता है? एवरेज टेम्परेचर बोलना है तो कितना होता है? 15 से 20। तो करेक्ट आंसर कौन है? 15 होगा। विच केमिकल सब्सटेंस इफेक्ट द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन ना इफेक्ट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये करता है। क्लोरीन, ये नहीं करता है। हेक्सा फ्लोरोकार्बन नहीं करता। मॉलिकुलर कार्बन भी नहीं करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द करेक्ट ऑप्शन।
इन ओजोन डिग्रेडेशन विच एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कैटलिस्ट के यूज कैटलिस्ट के तरह यूज होता है? तो क्लोरीन, क्लोरीन आपका कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 टू प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनाइट रिएक्ट विथ, मिथाइल आइसोसाइनाइट किसे रिएक्ट करा था? वो CO2, CO2 से रिएक्ट उसने करा था। किसे क्रिएट किया गया था? CO2 से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए डिजॉल्व है? एक्सोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग या थर्मल इन्वर्जन। तो आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। या वो थर्मल इन्वर्जन के लिए भी होता है। तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर है ये क्वेश्चन। फ्लोराइड पॉल्यूशन मिल द इफेक्ट, फ्लोराइड पॉल्यूशन जो होता है वो किसे इफेक्ट करता है? वो तित को या किडनी को इफेक्ट करेगा? नहीं, फ्लोराइड ब्रेन और हार्ट को नहीं करेगा, तो किसको इफेक्ट करता है? तित को करता है। दांत पर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है पॉल्यूशन के कारण में, इसलिए ब्रश किया किसी। न्यूट्रिएंट्स इन एनरिचमेंट वाटर बॉडीज कॉजेज, वाटर बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है? स्ट्रेटिफिकेशन करता है, यूट्रोफिकेशन करता है या सक्सेशन करता है? वो यूट्रोफिकेशन करता है। पॉल्यूशन ऑफ SO2 डिस्ट्रॉयज, पॉल्यूशन SO2 का जो पॉल्यूशन होता है वो डिस्ट्रॉय, किसे डिस्ट्रॉय करता है? लीचन को, फंगी को, एल्गी को या फिश को? SO2 क्या होता है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। पॉल्यूटेंट्स के रूप में जितने गैस का इस्तेमाल होता है, ज्यादातर गैस SO2, CO2, CO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैस आपका मेन पॉल्यूटेंट्स है। क्या है? पॉल्यूटेंट्स है। तो SO2 क्या डिस्ट्रॉय करता है? फंगी, लीचन, एल्गी या फिश? तो SO2 फिश तो एक्वेटिक है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, एल्गी को भी नहीं करेगा। लीचन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लीचन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जो पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। व्हेन वाटर मिक्स विद सम अनडिजायरेबल सब्सटेंस देन इट्स नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज एंड दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। लिखने के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो इनमें से इंडिकेटर कौन है कि हाँ वाटर पॉल्यूशन हो रहा है? लेमा पेंसी पेंसी सोस्टा, ये तो नहीं है। यूकोमिया क्रेप्सिस, ये भी नहीं है। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, जो आपका NCERT बुक में दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम 25 MCQs खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।